अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स एंड उसके चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर में हम कर रहे हैं आप एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि आपने 1.1 में पढ़ा एंड अंडरस्टैंड किया इसको, उस तरह हमने एक बात पढ़ी थी 1.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो वहाँ से एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास, जिसको आप वहाँ पर अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हम अब जितने भी क्वेश्चन होंगे 1.2 में, वो सब के सब क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू ही सॉल्व होंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला डेफिनेटली आपको अब तक याद होगा। तो पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देता हूँ मैं आपके सामने कि हमने कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारा वो फार्मूला है जिसको हमने यहाँ पर लिखा है। ये आपको ये मैं फार्मूला इधर लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये वो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको यूज़ करते हुए हमने ये तमाम के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 1, 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 7x। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक गिवन क्वेश्चन है। तो जब हमने पहले भी बात की थी तो मैंने आपसे ये बोला था कि जो भी हमारे एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है वो कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। आपने एक्स स्क्वेयर को हमेशा पॉजिटिव में लेके आना है। तो इसको पॉजिटिव में लाने के लिए क्या होगा, हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वेयर। ये माइनस, ये प्लस एक्स है, ये 7x है, तो इस तरफ आके माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल होने की वो ये है एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स स्क्वेयर होनी चाहिए, सेकंड वैल्यू सिंपल एक्स एंड थर्ड वैल्यू पे कांस्टेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी एक्स स्क्वेयर, सेकंड वैल्यू पे एक्स एंड थर्ड वैल्यू हमारी कांस्टेंट आ गई और इज इक्वल टू 0 आ गई। और अब हमने क्योंकि इस एक्स स्क्वेयर को हमने बोला कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो होल वैल्यू को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा दें या माइनस 1 इसका कॉमन ले लें, तो ये आपका एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा। होपफुली कि यहाँ तक तो किसी किस्म की कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब ये हमारी क्या बन गई है जी, क्वेश्चन नंबर 1। हम कहते हैं कंपेयरिंग क्वेश्चन नंबर वन को हमने कंपेयर करना है। तो क्या कंपेयर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 को किसके साथ, ए एक्स स्क्वेयर के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। यानी कि जो ए एक्स स्क्वेयर है वो ये है, जो बी एक्स है वो ये है, जो सी है वो ये है। तो जब हम इन वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर जिसका, इसका क्या कोएफिशिएंट है, इसका कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। तो जब कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू 1। ये एक्स स्क्वेयर है, ये भी एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ये बी एक्स है, ये 7x है, एक्स एक्स है एंड बी की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सी क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2। अगर किसी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगा होगा तो वो माइनस का साइन आपने उसके साथ वैसे ही लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना फार्मूला लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। क्या करेंगे जी, पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा जी, माइनस बी, तो माइनस तो माइनस लिखा रहेगा, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7, तो क्या आ जाएगा, 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू 7 है तो उसका स्क्वेयर आ गया माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 है। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 एंड ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ये वैल्यू आपस में अब क्या होगी, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का 49 एंड माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गए, 4 2 का 8 ओवर 2 आ गया हमारे पास।
अब इसमें क्या होगा, माइनस सेवन प्लस माइनस अंडर रूट 49 में हम क्या प्लस करेंगे, 8 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 57/2। ये क्या आ गया जी हमारा, जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक दफ़ा वैल्यू हमारे पास प्लस में आ गई है और एक दफ़ा वैल्यू हमारे पास माइनस में आ गई है। स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पर ये याद रखिएगा कि यहाँ पर चूँकि अंडर रूट आ गया और ये अंडर रूट अब आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इन वैल्यूज़ के ऊपर अंडर रूट अगर आया और सॉल्व होने वाला हुआ तो उसको सॉल्व करेंगे, और अगर ये सॉल्व होने वाला ना हुआ तो फिर और अगर सिंपल वैल्यू आ गई तो फिर उस सिंपल वैल्यू को उसके साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ गया तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है जी, एक्स की वैल्यू आ गई है, और ये हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो मैं इधर लिख देता हूँ, सोल्यूशन सेट क्या है हमारा, माइनस सेवन प्लस माइनस अंडर रूट 57/2। ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और यही इस पूरे के पूरे आपके जो है वैल्यू है उसमें ये यूज़ होना है कि आपके पास एक वैल्यू गिवन होगी, उसको अरेंज करना है किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू जीरो की फॉर्म में। एक्स स्क्वायर पहले आ गया, फिर एक्स आ गया, फिर माइनस टू आ गया। इस कंपेयरिंग करना है इक्वेशन नंबर वन को इसके साथ, कंपेयर किया इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे b है इसका कोएफिशिएंट 7 है, 7 आ गया, c का माइनस 2 आ गया। सेम वैल्यूज पुट की, जो वैल्यू पुट फार्मूले में वैल्यू पुट की, तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, और ये हमारे पास है